ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आनंद पटेल, ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज. टूडे इज माई टॉपिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI. जो मूत्र मार्ग में जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से UTI होता है, हमें आज हम वो पढ़ेंगे और जानेंगे. फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI इज अन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूर किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक, द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा. वुमन आर द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए UTI देन आर मेन. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI क्या हो सकता है, या इन्फेक्शन इज एनी पार्ट, मतलब कोई से भी अपने यूरिनरी सिस्टम के कोई से भी पार्ट में हो सकता है, लाइक किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया या यूरेथ्रा. क्या मोस्टली ये इन्फेक्शन लोअर ट्रैक में ज़्यादा होता है, लोअर ट्रैक जैसे अपना ब्लैडर और यूरेथ्रा, और ये इन्फेक्शन महिलाओं की तुलना में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होता है. डेफिनेशन, एक कंडीशन विच बैक्टीरिया इन्वेड द एंड ग्रो इन द यूरिनरी ट्रैक, द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. मोस्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑक्यूर इन द, ये क्या जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है इसमें, ये मोस्टली कहाँ यूरिनरी ट्रैक में, कहाँ किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है. कॉजेज ऑफ UTI, किन किन कारणों से UTI होता है अपने को आज हम देखेंगे, किन किन कारणों से हमें UTI या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है. लैक ऑफ वाटर इनटेक, फर्स्टली कम पानी पीने से, होल्डिंग यूअर पी या अपन पेशाब को रोक के रखते हैं, इम्प्रूव हाइजीन. अगर आपका हाइजीन मेंटेन नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट, अगर डायबिटिक है तो उसको भी UTI होने के चांस हो सकते हैं. पेशेंट अगर डायबिटिक है या पेशेंट को कहीं शुगर वगैरह की बीमारी है तो उसके कारण भी हो सकता है. किडनी स्टोन, कई बार कई पेशेंट्स को किडनी स्टोन जैसे कि गुर्दे की पथरी वगैरह होती है पेशेंट को, किडनी स्टोन, ब्लैडर, यूरेटर या किडनी में स्टोन्स वगैरह रहते हैं, या क्रोनिक स्टोन की प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसको भी UTI होने के चांस हो सकते हैं. ये भी कॉज है. फ्रेक्वेंट सेक्स या ज़्यादा फ्रेक्वेंसी सेक्स की हो तो उसके कारण भी UTI होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, जो अगर जो अपने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के यूज़ अगर करते हैं तो उसमें भी UTI के चांसेस बढ़ते हैं, ये UTI के चांस हो सकते हैं. प्रेगनेंसी भी एक मेन कोज UTI का है. इसमें क्या इसके कारण भी यूरिनरी ट्रैक या लोअर ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा रहते हैं. सिम्टम्स ऑफ UTI, अब हम देखेंगे सिम्टम, क्या क्या सिम्टम्स हमें UTI में होते हैं. स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अर्ग टू यूरिन, ए बर्निंग सेंसेशन विथ यूरिन, पासिंग फ्रिक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन दैट अपीयर क्लॉडी, यूरिन अपीयर रेड, ब्राइट पिंक, कोला कलर्ड एंड साइन ऑफ ब्लड इन यूरिन, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑफ यूरिन. क्या क्या सिम्टम होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के. स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन अर्ज यूरिनेट होता है, बर्निंग सेंस, पेशाब, अगर आप पेशाब कर रहे हो तो उसमें ये लक्षण अपने को दिखाएंगे, पेशाब में जलन वगैरह, पेशाब में जलन होती है अगर आप पेशाब यूरिन पास करने जाते हो तो. पासिंग फ्रिक्वेंट यूरिन, मतलब स्मॉल अमाउंट, अब आप पेशाब करने जा रहे हो, बार बार फ्रिक्वेंसी आ रही है कि बार बार पेशाब करने जा रहे हो, यूरिन बार बार पास करने की इच्छा होती है किसी पेशेंट को, बार बार यूरिन पास कर यूरिन हो जाए उसको अच्छे से, पर स्मॉल अमाउंट में यूरिन आता, थोड़ा थोड़ा करके यूरिन आता है, बूंद बूंद यूरिन करके आता है, वो भी एक लक्षण है उसका.
कई बार पेशाब क्लोडी एकदम गाढ़ा है, क्लोडी गाढ़ा आता आ जाता है, क्लोडी यूरिन आ जाता है, यूरिन दैट अपीयर रेड करंट, कई बार यूरिन का कलर रेड पिंक कलर्ड, और साइड में ब्लड ब्लड भी कभी कभी बहुत बार ब्लड भी यूरिन में आ सकता है, ये भी एक लक्षण है। और उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, उसमें क्या स्ट्रॉन्ग कलर मतलब बहुत अपना यूरिन पास करते हैं, स्मेल बहुत आती है यूरिन में से, ये चांसेस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, ये सिम्टम्स ये लक्षण यूरिनरी ट्रैक UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के किसी पेशेंट में आ सकते हैं। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन टाइपली ऑक्योर वेन अ बैक्टीरिया इंटर ए यूरिनरी ट्रैक थ्रॉट द यूरेथ्रा एंड बींग मल्टीपल इन द ब्लैडर। इसमें क्या होता है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स बैक्टीरिया एंटर हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, फिर यूरेथ्रा बींग टू मल्टीपली ब्लैडर में जाता है, फिर ब्लैडर में जाता है। वेरियस कॉज ऑफ आइडियोपैथिक क्रॉनिक UTI उससे क्रोनिक UTI रीनल स्टोन्स और रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट फेलेनोएथ्राइटिस क्रोनिक UTI प्रिवेंट टू और UTI कॉज हमें UTI कॉज क्या क्या मैनेजमेंट हम UTI के करते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, लो डोज एंटीबायोटिक हम क्या करें, लो डोज लेंगे एंटीबायोटिक का, इंटेलिटी फॉर 6 मंथ बट समटाइम्स लॉन्गर, सेल्फ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं इफ़ यू स्टे टू टच यूर विथ यूर, पर आपको आपके डॉक्टर से टच में रहना है। ए सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक आफ्टर सेक्सुअलिटी, सिंगल डोज लेना है एंटीबायोटिक आफ्टर, अब जो अब सेक्स वगैरह आप संभोग करते हैं तो उसमें सिंगल डोज एंटीबायोटिक, इंटरकोर्स लेना है इंटरकोर्स में, इफ़ यूर इन्फेक्शन आर रिलेटेड अ सेक्सुअल एक्टिविटी वजाइनल स्टेरोजोन थेरेपी देना सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू, इफ़ यू पोस्ट मेच्योरल और क्या क्या कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन करना है, हाई वाटर इंटेक अब पानी ज़्यादा पीना है, फ्लूड वगैरह ज़्यादा लेना है, इन्फेक्शन को होने से रोकना है, हाइजीन प्रॉपरली ही मेंटेन करना है, अपने डॉक्टर के टच में रहना है ताकि हमारे UTI ग्रॉस UTI होने के चांसेस कम हो। उसके बाद हमें ये सारे मैनेजमेंट हमको UTI में करना है। प्रिवेंट ऑफ UTI प्रिवेंशन, यूरिनरी ट्रैक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम, मेंटेन पर्सनल एंड जेनाइटल हाइजीन, हमें क्या करना है पर्सनल और जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करना है ताकि साफ सफाई सफाई हम जैसे टॉयलेट से अपना जो जेनाइटल पार्ट वाकई बाकी उसको हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करना, साफ सफाई वाकई अच्छे से रखना है। मैनेज योर शुगर लोवर, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसके शुगर को मैनेज करना है प्रॉपरली, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, या जो डायबिटिक कौन सा डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 जिस प्रकार से जो डायबिटिक उसके हिसाब से इंसुलिन चल रहा है प्रॉपरली डेली इंसुलिन, पोस्ट प्री लंच पोस्ट लंच शुगर चेक करना है, शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ था तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है, ड्रिंक लोट्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पानी पीना है, फ्लूड इंटेक अपने को करता रहना ताकि इससे हमें क्या UTI बाहर हो सके, इन्फेक्शन फ्लश हो सके, हमारी किडनी फ्लश हो सके, ब्लैडर यूरेटर जहाँ से इन्फेक्शन कोज हो रहा हो वो फ्लश हो सके, उससे हमें UTI कम होगा, उससे हमें UTI होने के चांसेस कम हो सकते हैं। डू नॉट होल्ड यूरिन आफ्टर लॉन्ग, हमें पेशाब को बहुत देर तक रोक कर नहीं रखना, यूरिन पास कर लेना, जैसे हमें लग रहा है कि पेशाब आ रहा है तो उसको होल्ड करके नहीं रखना है, हमको उसको पेशाब को प्रॉपर मूत्र विसर्जन हमें जल्दी से जल्दी करना है ताकि उससे कि हम UTI होने के चांस का यूरिन पास हो जाएगा, किडनी फ्लश हो जाएगा, ब्लैडर फ्लश हो जाएगा तो हमारा यूरेटर वगैरह यूरेटर हेबिलिटी यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने के चांस कम होंगे। लिमिट यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स का कम अगर चांसेस हैं तो पब्लिक टॉयलेट का यूज़ कम करें, उससे क्या क्या हर जगह बहुत सारे पेशेंट्स रहते पब्लिक टॉयलेट में सभी आ जाते जाते हैं, उससे भी आपकी UTI के चांस बन सकते हैं, तो इसलिए पब्लिक टॉयलेट का यूज़ बहुत कम ही करना है।
उससे आपको यूटीआई के चांस बढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट यूज है, अगर जब कहीं जा रहे हो तो उसमें पब्लिक टॉयलेट का यूज़ बहुत कम करना है। वॉचिंग अ टीवी सीरियल डू नॉट सिट इन वन प्लेस और फॉर हावर्स, गेट अप फॉर 30 मिनट्स, वाटर, यूरिनेट एंड देन कंटिन्यू। आपको क्या कर, जब आप कहीं टीवी सीरियल देख रहे हो या कहीं टीवी देख रहे हो तो आपको एक जगह एक ही प्लेस पर नहीं बैठना है बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत घंटों तक। आपको आधे घंटे 30 मिनट के बाद आपको पानी पीना है, यूरिनेट पेशाब करने जाना है या यूरिन पास करने जाना है, और उसके बाद कंटिन्यू वापस से करना है। आपको एक जगह वेट कर कंटिन्यू, जैसे आपको बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट क्या करते हैं कि एक जगह बैठे बैठे दो दो ढाई ढाई घंटे तक बैठे रहते हैं, उसमें भी क्या यूटीआई के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये प्रिवेंशन अच्छा है कि आप प्रॉपरली आधे घंटे में उठकर जाएं, वॉशरूम में पानी पिएं, जगह चेंज करें, ये आपके लिए ये एक बहुत बेटर प्रिवेंशन है। ऑलवेज यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। आपको क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, लाइक कॉन्डम से, वजाइनल कॉन्डम से, ये अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में या संभोग बनाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, कॉन्डम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ वगैरह आपको करना है, उससे कि आपको यूटीआई के चांस कम हो सकते हैं। यूरिनेट बिफोर एंड आफ्टर सेक्स। आपको क्या करना है, अगर अगर से सेक्स या संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके पहले आपको यूरिन पास करना, पहले भी करना है और बाद में भी करना है। प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें प्रिवेंशन के तौर पर रखना है, ताकि हमें यूटीआई ना हो सके, हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो सके। क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आज हमने देखा यूरिनरी ट्रैक यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इज एनी अन इन्फेक्शन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी, ये क्या हमारी बॉडी के कहीं पे पार्ट, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम के कहीं पे, यूरिनरी सिस्टम में कहीं कोई से भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे ब्लेडर हो, चाहे यूरेथ्रा हो, या चाहे मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व इन द लोअर यूरिन। क्या बहुत बार क्या मोस्ट इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में होता है, ये क्यों, क्योंकि लोअर निचला जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का निचला हिस्सा होता है उसमें यूरिन इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और महिलाओं में से महिला पुरुषों के वजह महिलाओं में ये इन्फेक्शन ज़्यादा कोज होता है। क्या क्या कॉजेज होते हैं, हो सकते हैं इन्फेक्शन के, लेक ऑफ वाटर इंटेक, आप कम पानी पीते हैं या कम फ्रूट इंटेक करते हैं, तो उसमें भी आपको यूटीआई के चांस बढ़ सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपका किडनी, आपका यूरेटर या ब्लेडर फ्लश प्रॉपरली नहीं वो हो पाता, आपकी किडनी प्रॉपरली जो वेस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे कि आपको यूटीआई हो सकता है। होल्डिंग यू पी, आप बहुत बार क्या करते हैं, एक जगह कंटिन्यू बैठे रहते हैं या काम करते रहते हैं, आपको यूरिन आ रहा है पर आप यूरिन पास करने नहीं जाते हैं या नहीं करते हैं, तो उसमें भी वो दो दो ढाई ढाई घंटे हो जाते हैं, आप यूरिन पास कर नहीं पाते, तो उसमें आपको इससे भी ये भी कारण है कि किडनी यूटीआई हो सकता है। इम्प्रूव हाइजीन, जब आप अगर हाइजीन में वो नहीं करते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते प्रॉपरली, उससे भी इन्फेक्शन के चांस कॉजेज ज़्यादा हो सकते हैं। आप अगर कहीं बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट हाइजीन मेंटेन अपने जेनिटल एरिया की हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता, उसके कारण भी यूटीआई, जैसे फीमेल्स हो गए, फीमेल्स में तो जेनिटल एरिया में उसके फर्स्टली इन्फेक्ट मोन फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होने का चांस जेनिटल एरिया से ही होता है। फेमिनिन प्रोडक्ट, जैसे कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें इन्फेक्शन के कई चीज़ों पे रहता है, या अपन यूज़ करते तो उनका प्रोडक्ट्स को यूज़ कम करना है अपने को। डायबिटीज़ भी एक मेन कारण होता है यूटीआई का। डायबिटीज़ क्या पेशेंट बहुत बार क्या होता है कि उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता,
ये भी एक मेन रीज़न है, डायबिटीज़ भी एक मेन रीज़न है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपको कीटोन्स वगैरह प्रेजेंट यूरिन में आते हैं, उससे भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। किडनी स्टोन है मोस्ट कॉमन, एक ये भी कारण है कि किडनी स्टोन जो गुर्दे की पथरी होती है ये भी एक किडनी स्टोन होने का कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि हमारे किडनी के अंदर ब्लेडर और यूरेथ्रा के अंदर स्टोन अगर फंसा हुआ है, स्टोन बना हुआ है, स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो वो भी स्टोन जो फॉर्मेशन होता है जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गया, यूरिक एसिड, ये मात्रा ब्लड में ज़्यादा उसके कारण स्टोन फॉर्मेशन होता है, उसके कारण आपको स्टोन बनता रहता है, उसमें भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, फ्रेक्वेंट सेक्स, आप क्या अगर बार बार अगर सेक्स करते हैं, सेक्स संबंध बनाते हैं, उसमें फ्रेक्वेंसी ज़्यादा होती है आपकी कि हर नहीं दिन में 4 बार या दिन में 3 बार डेली कर रहे, डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बार बढ़ जाते हैं जेनाइटल एरिया से के थ्रू इन्फेक्शन चला जाता है। यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स, बहुत बार क्या होता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह जो लेते हैं फीमेल्स, तो उसमें भी उसके कारण भी फीमेल्स में ये कॉमन है कि यूटीआई हो सकता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। प्रेगनेंसी भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई का, इसके कारण भी फीमेल्स में ज़्यादा ज़्यादा यूटीआई होता है। सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, क्या क्या सिम्टम्स यूटीआई के होते हैं अपन देखेंगे। अपन ने देखा है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट अर्ग टू यूरिनेट, आग जैसा लगता है, यूरिन बार बार आता है, यूरिन आता है, अर्ग यूरिन होता है। बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, जब आप पेशाब करने जाते हो जलन, पेशाब त्यागते समय या पेशाब करते समय आपको जलन होता है। पासिंग फ्रेक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, आपको बार बार पेशाब आती है पर कम अमाउंट में आती है, थोड़ी आती है, रुक रुक कर आती है, बूंद बूंद करके आती है। यूरिन डेट अप्रोप्रिएट क्लोडी, आपको क्या गाढ़ा यूरिन आता है, यूरिन में अच्छे से नहीं आता है यूरिन। देन अप्रोप्रिएट रेड ब्राइट पिंक एंड कोला कॉलर्ड साइन है ब्लड इन यूरिन, बहुत बार क्या होता है कि यूरिन में पेशाब रेड कलर, पिंक कलर, ये ब्लड भी बहुत बार यूरिन में आता है, ये भी एक यूटीआई का लक्षण है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, यूरिन पास करते समय यूरिन में से बहुत गंदगी बदबू या गंदी बदबू आना, पैथोफिजियोलॉजी। मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई, क्या क्या मैनेजमेंट हम यूटीआई में करते हैं। लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक लेना अपने को, लो डोज का इंटेलिटी ऑफ सिक्स मंथ तो लेना है, सिक्स मंथ के लिए, समटाइम्स लॉन्गर और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सेल्फ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू स्टे टच विथ योर डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के टच में हैं तो आप सेल्फ डायग्नोस ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पर आपको डॉक्टर के टच में रहना है। इफ़ ए सिंगल डोज एंटीबायोटिक आफ्टर सेक्शुअल इंटरफेरेंस, अगर आप सिंगल डोज लेना है एंटीबायोटिक का, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में हैं या सेक्सुअल करते हैं, संभोग बनाते हैं, तो आपको सिंगल डोज एंटीबायोटिक का लेना है। सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद सिंगल डोज आपको लेना है। इफ़ यू आर इन्फेक्शन और रिलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटी, वजाइनल स्टेरोजोन थेरेपी, अगर आप इन्फेक्शन रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण इन्फेक्शन होता है, वजाइनल स्टेरोजोन थेरेपी होती है, वो थेरेपी आपको लेना है। आपको पानी ज़्यादा पीना है और हाइजीन मेंटेन करना है, इससे आपके यूटीआई के चांसेस कम हो जाएंगे, बढ़ेगा नहीं यूटीआई, ग्रोस यूटीआई नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं हम यूटीआई के। मेंटेन पर्सनल एंड जेनाइटल हाइजीन, आपको क्या अपनी पर्सनल और जेनाइटल हाइजीन को मेंटेन करना है। मैनेज योर शुगर लेवल, शुगर लेवल को हमको भी मैनेज करना है।
बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट का उनको पता नहीं रहता कि हमारा शुगर जा रहा है, डायबिटिक होते हैं पर पेशेंट अपनी शुगर मेंटेन नहीं कर पाते, उसके कारण यूटीआई बढ़ सकता है, तो उसको भी अपने शुगर को चेक करवाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुगर का लेना है, प्रॉपर टेस्ट करवा के आपको शुगर लेवल कंट्रोल में करना है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी आपको ज़्यादा पीना है, उससे क्या होता है कि आपकी किडनी ब्लैडर फ्लश होगा, उससे आपको यूटीआई होने के चांस कम होंगे। डू नॉट होल्ड योर यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको बहुत समय तक आपके पेशाब को रोक कर नहीं रखना है, आपको टाइम टू टाइम जैसे आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, आपको जैसे बहुत के तीन तीन चार चार घंटे तक यूरिन पास नहीं कर पाते, आ रहा है पर उसको होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। टू लिमिट यूजिंग पब्लिक टॉयलेट, आपको पब्लिक टॉयलेट कम यूज़ करना है, इससे क्या होता है कि पब्लिक टॉयलेट को कम यूज़ करना चाहिए, उससे भी आपको इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि सारे यूज़ करते ही प्रॉपरली वॉश हुआ नहीं हुआ, उसका हाइजीन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, किसको क्या इन्फेक्शन है, आपको कुछ नहीं पता होता, तो आपको पब्लिक टॉयलेट का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। वॉचिंग अ टीवी सीरियल, डू नॉट सिट वन प्लेस फॉर हावर्स, आपको क्या अगर टीवी सीरियल या टीवी देख रहे हो या कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो आपको एक जगह बैठकर नहीं रहना है, आपको एक घंटे आधे घंटे में आपको उठना है, एक जगह बैठकर नहीं देखना है, आप बैठ जगह चेंज करते रहो। आफ्टर 30 मिनट्स ड्रिंक वाटर यूरिनेट एंड देन कंटिन्यू, आपको क्या आधे घंटे बाद पानी पीना है, यूरिन पास करना, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करना है। ऑलवेज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी, यूरिनेट बिफोर एंड आफ्टर, आपको क्या करना ऑलवेज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो या सेक्सुअल एक्टिविटी में हो तो आपको सेक्स कर रहे हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है, और बिफोर और आफ्टर सेक्स आपको यूरिन पास करना ही है। ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, आपको क्या करना एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना है। थैंक यू।